عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے
इस ज़ाब्ता हयात को वसूल किया और इसको हम तक पहुंचाने के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया। अल्लाह की ये बहुत बड़ी करम नवाजी है कि उसने इस ज़ाब्ता हयात को हम तक पहुंचाने के लिए ऐसे मज़बूत ज़राए और असबाब इस्तेमाल फरमाए कि इनकी मौजूदगी में हम बबांगे दोहल कह सकते हैं कि ये ज़ाब्ता हयात जो आज कुरान की सूरत में हमारे हाथों में मौजूद है, ये वही ज़ाब्ता हयात है जो आज से कमोबेश 1450 साल पहले नबी कायनात रसूल सकालैन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पे इंसानों की रुश्दो हदायत के लिए नाज़िल हुआ। अल्लाह की इस करम नवाजी पे हम जिस कदर भी उसका शुक्रिया अदा करें, कमा हक्का हो उसका शुक्रिया अदा नहीं होता, इसलिए कि ये ज़ाब्ता हयात वो दस्तूरुल मुत्तकी है कि अगर इंसान इससे ताल्लुक़ पैदा कर ले तो ये कुरान उसकी दुनियावी ज़िंदगी में एक अजीम इनकलाब पैदा कर देता है और अगर इसको अपो जिस्मो रूह पे जारी उतारी कर लिया जाए तो यही वो वह ज़ाब्ता हयात है जो इंसान को दुनिया के साथ साथ आखरत की कामयाबी की ज़मानत भी देता है। मगर सदहैफ ऐसे ज़ाब्ता हयात की मौजूदगी के बावजूद आज हम तख्ते अर्ज़ पे इतनी बदनसीबी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि शायद कोई दूसरी कौम हमसे बढ़ के बदनसीब ना हो। कौम हम वो हैं जिन्होंने ज़मीन पे बसने वाले तमाम इंसानों को इंसानियत से आगाह किया। कौम हम वो हैं जिन्होंने इंसानों को इज्जत और वक़ार से जीने का ढंग सिखलाया। कौम हम वो हैं जिन्होंने इंसान को इंसानियत से आगाह किया, मगर हम ही वो बदनसीब हैं जिन्होंने इंसान को जीने का सलीका दिया। वो आज ज़मीन पे अपनी जान छुपा रहे हैं। इसका सबब अगर आदमी अपने अंदर चंद लम्हात डूब जाए तो उसको इसका सबब मिल जाएगा, लेकिन अगर हम इतने ही बदनसीब हैं कि ये भी जानने की कोशिश ना करें, ये रास पाने की कोशिश ना करें इस बदनसीबी को जानने के लिए तगो दो ना करें, तो फिर खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अगर हम खुद ये एहसास पैदा नहीं करते, ये अदराक पैदा नहीं करते, तो फिर अल्लाह हमारे हाथ पकड़ के हमें खड़ा नहीं करेगा। अल्लाह ने कह दिया है 30 सपारों पे मुश्तमिल तुम्हें दस्तूर दिया है, आईन दिया है, कानून दिया है, उसमें पहले लोगों का जिक्र किया, पहले लोगों को बयान किया। उसका सबब क्या था? महज ये कि इस उम्मत को समझाया जाए, इस कौम को बतलाया जाए कि अल्लाह का महबूब अल्लाह से ताल्लुक की बिना पे नहीं होता,
बल्कि अल्लाह का महबूब व मकबूल अल्लाह के अहकामात पे अमल पैदा होकर होता है। कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन दिन रात बगावत की अल्लाह की, दिन रात बगावत की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, तेरा ताल्लुक क्या है महज ला इलाहा इल्लल्लाह का? अल्लाह इरशाद फरमान दे इस ताल्लुक से मुझे कोई गर्ज नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि जो तुम्हारी जिम्मेदारी लगाई है, जिस चीज का तुमसे मुतालबा किया है उस चीज को पूरा करो। अगर तुम उस हुक्म पे सरे तस्लीम खम करते हुए अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे तो तुम मेरे महबूब हो। ताल्लुक रखने के बावजूद आंखें खोल के मेरे अहकामात को नहीं देखोगे, मेरे मोहम्मद की अतात नहीं करोगे तो ताल्लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही अल्लाह ने इस कुरान के मुकाम पे कहा है। इरशाद फरमाया अल्लाह ने कि देखो अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत और प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए जन्नत को वाजिब करते हैं जो अल्लाह के अहकामात पे अमल करते हैं, और वो लोग जो अल्लाह के मुनकर हैं, वो लोग जो अहकामात इला और अहकामात रसूल पसे पुश डालते हैं। फरमाया अल्लाह ही के बंदे होने के बावजूद वो अल्लाह के नज़दीक मकहूर और मकजूब हैं। हमी को तो अल्लाह ने पैदा नहीं किया, यहूदियों को भी अल्लाह ने पैदा किया है, ईसाइयों को भी अल्लाह ने पैदा किया है, हिंदुओं को भी अल्लाह ने पैदा किया है, हर कौम को अल्लाह ने तख्लीक दिया है। बहसीयत मखलूक हम में और काफर में कोई फर्क नहीं, फर्क किसने पैदा किया? वो अल्लाह के भागी हुए हम मतीयो मिनकात, मतीयो मिनकात होने के सबब अल्लाह ने हमें प्यारा कहा, बागी होने के सबब अल्लाह ने उनको मातूब करार दिया। यही कुरान कहता है कि वो लोग जो अल्लाह के अहकामात का इनकार करते हैं, अल्लाह की रहनुमाई कबूल करने को तैयार नहीं है, लैलो नहार अल्लाह की बगावत में बसर करते हैं। फरमाया हमारी तरफ से ऐलान है यतमत्ताऊना वयाकुलूना कमा ताकुलुल अनाम, वो दुनिया में रहते हुए फायदा उठा लें जो उन्होंने फायदा उठाना है, खाएं जिस तरह जानवर खाते हैं। फरमाया मेरे बंदे होने के बावजूद ये मेरी निगाह में मातूब है, इनको जहन्नम की आग के सुपुर्द कर दूंगा। और इसमें हम और मुनकर बराबर हैं, अगर हमारा किरदार कलमा पढ़ने के बावजूद वही है जो इनकार करने वाले काफर का है। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में इस खूबसूरत से हमारी रहनुमाई की है कि ऐसी खूबसूरती ऐसी रहनुमाई कायनात में कोई दूसरा कायद कर नहीं सकता। इरशाद फरमाया अय्युहन्नास, ए मोहम्मद के सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी ड्यूटी है कि मुझसे शुरू हुई बात को आने वाले लोगों तक पहुंचाओ, और इनके बाद आने वालों तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरी बात को आगे आने वाले लोगों तक पहुंचाओ। नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बल्लेवन्नी वलो आया, जिसके कान तक मेरी एक बात पहुंची है उसकी जिम्मेदारी है उसको आगे पहुंचाए, अगर उसने जिम्मेदारी पूरी ना की तो कयामत के दिन वो अल्लाह की निगाहों में मतूब इंसान बन जाएगा। अंदाज क्या इरशाद फरमाया कि बेसल अब्दू अब्दुन सहा वलहा वल नसियल मकाबिरा वल बला। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हम बदनसीब हैं, ना मैंने सुना ना आपने सुना ना हमारी औलाद ने सुना ना ही आगे चलता हुआ नजर आता है। इस काफले की रुकावट में सबसे बड़ा किरदार ईमान लाने वाला इंसान है कि उसने उस तालीम को आगे फैलाने के लिए, उस किरदार को आगे बढ़ाने के लिए वो किरदार अदा नहीं किया जो अल्लाह ने हमारी जिम्मेदारी लगाई थी और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिम्मेदारी। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। तुम अपने लिए पैदा नहीं हुए, तुम इंसानियत की खिदमत के लिए पैदा हुए हो, तुम पैगाम रहमान पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक पहुंचाने के मुकल्लिफ हो। जो आदमी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, जो आदमी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता, उसको मालिक तनख्वाह नहीं देता और रब कहता है इस दीन को आगे फैलाने के लिए तुम जिम्मेदार हो। खैर उम्मत तब हो तुम जब ये किरदार अदा करो, अगर ये किरदार अदा ना करो तो तुम खैर उम्मत नहीं हो। तो मौला कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेसल अब्दु अब्दुन, बदतरीन इंसान वो है, बदबख्त इंसान वो है, सबसे बुरा इंसान वो है सावनहा, जो गफलत करता है, सुस्ती करता है और दुनिया में मशगूल हो गया, यहां तक नसियल मकाबिरा वल बला, कब्रों को भूल गया और खाक हो जाने को भूल गया। नाशना कुरान पढ़ने वाला, कुरान का बागी, मोहम्मद रसूलुल्लाह को कायद बनने वाला, उनकी क़यादत से बगावत करता है। फरमाया कि सुन लो, जो अल्लाह का बागी है वो अल्लाह के अहकामात में सुस्ती करता है, जो अल्लाह का बागी है वो इस तरह दुनिया में डूब जाता है, इस तरह मशहूर हो जाता है कि वो दीन को पसे पुछ डाल देता है। फरमाया व नसियल मकाबिरा वल बला, खाक हो जाने को भूल गया और कब्रों को भूल गया। ये इंसान कायनात का बदतरीन इंसान है। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहा, गफलत करने वाला, सुस्ती करने वाला। क्या अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सिलसिले में हमारी रहनुमाई की है कि सहा कौन है? कि सिर्फ कह दिया है कि सहा वलहा, ये दो कायनात के बदतरीन इंसान है। सिर्फ यही कहा है? नहीं, रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक सहाबी आया, आगे अर्ज करता अल्लाह के नबी अय्यु सदाकती आजम अजरा, मेरी रहनुमाई फरमाए कि कौन सा सदका अजर के लिहाज से बहुत अजीम है। सहाबा की जिंदगी का मकसद ये था कि आखिरत को संवारा और बनाया जाए,
अल्लाह के नबी कौन सा सदका? इरशाद फरमाया, जब तू जवान हो, तेरे अंदर उमंगें उठती हो, कपड़े पहन के इस्त्री करके टेंशन हो के निकलने का जज्बा तेरे अंदर मौजूद हो, तेरे अंदर से आवाज आए कि चलता हुआ पता मरना चाहिए कि ये जागीरदार है, ये जमींदार है, ये दौलतमंद है, ये सरमायादार है, जब तेरे अंदर ये उमंग पैदा हो, जब तू तवाना हो, जब तू कुवत वाला हो और तेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो कि सारी दुनिया का माल और जर इकट्ठा कर लो, तुम्हें परेशानी हो कि इसको खर्च करके मैं गुर्बत का शिकार न बन जाऊं, तेरे दिल से अंदर से आवाज आती हो दुनिया इकट्ठी करो, माल इकट्ठा करो, दौलत इकट्ठी करो और दौलत इकट्ठी करके दौलतमंद बन जाओ। फरमाया, वला तुम हिल, इस मौके पे सदका करने में सुस्ती ना कर। यहां सदका करने का मजा है और ये सदका तेरे लिए अजर अजीम का हामिल होगा। यहां तक इंतजार ना कर कि तेरी जान हालत तक पहुंच जाए, इज़राइल तुम्हें हाथ बढ़ाता हुआ नजर आए, मौत तेरे सामने रक्षा हो, फिर तू कहे कि ले फुलान इन कजा वले फुलान इन कजा। फरमाया, लकद काना ले फुलान इन, मरते हुए कहे इतना मदरसे को दे दो, इतना मस्जिद को दे दो, इतना उस यतीम को दे दो, इतना इस बेवा को दे दो। फरमाया, ना ना, लकद काना ले फुलान इन, अब तेरे कहने की हाजत नहीं, ये तो फलां का हो चुका है। सुस्ती, माल है, दौलत है, रुपया पैसा है, दे देंगे, अभी इकट्ठा तो कर लें। ये है सहा, कायनात के आका ने साथ फरमाया कि नेकी के इत्तकाद में गफलत करने वाला, सुस्ती करने वाला, जो इंतजार करता है, मुंतजिर है, कर लेंगे कर लेंगे। इरशाद फरमाया, तुझे क्या खबर है अल्लाह ने करने का तुझे मौका देना है कि नहीं, इसलिए फौरन कर। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहा बयान किया है तो बतलाया है और अल्लाह के नबी ने करके दिखलाया है। इंसान को क्यों कर जिंदगी बसर करनी है, कौन सा इंसान अल्लाह का महबूब है और कौन सा इंसान अल्लाह की निगाह में मकजूब इंसान है। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर वक्त एक तस्बीह पढ़ते रहते हैं, सुभानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह तू पाक है, तारीफें तेरी है, अपने गुनाहों की बख्शिश चाहता हूं। क्या कायनात के आका सकलैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़ के भी कोई मुकद्दस हो सकता है? इसका तसव्वुर ईमानदार नहीं कावर कर सकता है कि आका कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी कोई कमी हो सकती है। तमाम कमियों और कोताहियों से मुबर्रा, सिर्फ बशरी तकाजों के मुताबिक गलतियां करने का इम्कान मौजूद है, इसलिए अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह में अल्लाह ने फर्क रखना था। याद रखने वाली बातें, रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यूं सय्यदा आयशा सिद्दीका ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा तो अर्ज किया, अल्लाह के नबी, अब मैं देखती हूं आप आम तौर पर अक्सर औकात ये तस्बीह पढ़ते रहते हैं, सुभानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इरशाद फरमाया, शाह मेरे रब ने मुझे कहा था कि मेरे महबूब तेरी कौम में मैंने एक वक्त रखा है, जब वो वक्त आ जाए
तो उसके बाद तूने तस्बीहात को इस अंदाज से करना है कि करते ही चले जाओ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो मैंने देख लिया है, इसलिए हशा मैं हर वक्त तस्बीह करता रहता हूं कि कहीं गाफल लोगों में ना हो जाऊं। और अल्लाह के नबी कायनात के सबसे बड़े मुतहर्रक थे दीन के लिए, दीन के पैगाम को पहुंचाने के लिए, अल्लाह की रजा को अमल करने के लिए। इससे बड़ा कोई इंसान मुतहर्रक नहीं था। लेकिन आयशा सिद्दीका के कहने में कहा कि मैं कहीं गाफल ना बन जाऊं, इसलिए हर वक्त करता रहता हूं। और उम्मुल मोमिनीन सैयदा क्या इरशाद फरमाती है कि नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब ये इजा जा नसरुल्लाह नाज़िल हुई, फसब्बे बिहम्द रब्बिका वस्तगफिरहु वातूबु इलैक। मेरे महबूब, हमने मक्का को फतह कर दिया, तेरी नबूवत का बड़ा निशान जिसको तमाम अरब देख रहा था, अगर मोहम्मद मक्का को फतह कर ले तो समझो सच्चे हैं। तो वो कर लिया, फसब्बे बिहम्द रब्बिका। आयशा सिद्दीका कहती है, अल्लाह की कसम मैंने देखा कि अल्लाह के नबी तमाम नमाजों में अक्सर ये पढ़ा करते थे, सुभानक अल्लाहुम रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम मग़फिरली, नमाजों में पढ़ते थे। कहा मैंने देखा अल्लाह के नबी तमाम नमाजों में अक्सर ये पढ़ा करते थे। क्यों? कि सहा अल्लाह के नजदीक बदतरीन आदमी वो है जो गफलत करता है, जो सुस्ती करता है, अल्लाह के तरफ बढ़ने में कमी करता है। फरमाया सहा वलहा बेसल अब्दु अब्दुन, बदतरीन इंसान ये है कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया। दुनिया में गर्क क्या है? दुनिया में गर्क रहमत कौनैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो दुनिया में इस तरह मुलव्वस हो गया, खो गया दुनिया में, कि उसको अपना अल्लाह ही भूल गया। इसको इलम नहीं है, यह दौलत इकट्ठी कर रहा है, यह माल इकट्ठा कर रहा है, इसके अंदर से आवाज आती है कमाओ इकट्ठा करो, दोनों दोनों हाथों से इकट्ठा करता है, दिन रात मेहनत करता है, और इसको ये एहसास नहीं है ये माल और दौलत इकट्ठा करने वाला हराम कर रहा है या हलाल कर रहा है। हर आदमी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हमारे ये जो भाई है ना, चावल का कारोबार करने वाले, बैंकों से सूद पे पैसे लेते हैं, वो अल्लाह के बंदे, इतना अच्छा नेक आदमी, नमाजी, परहेजगार, तहज्जुद गुजार, इसका सबब क्या है? कहता है असल में बात तो कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट को टैक्स देने से बचा जाए, कि इतने पैसे हम बैंक से लेते हैं, जब इसके कागजात तैयार होते हैं उसमें लिखा हुआ है इतने पैसे बैंक से लिए, पैसे मेरे नहीं, ताकि टैक्स से बचा जा सके। सोचो, दौलत को इकट्ठा करना, धोखा देना, उस ताकत को, उस नजम को जिसने एक दस्तूर बनाया हुआ है, ये दिन रात कमाई करता है, मेहनत करता है, लेकिन कमाते हुए इसके दिलो दिमाग में वो चीज दाखिल हो जाती है जिस चीज को ना अल्लाह ने कहा ना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, ये बगावत की सूरत इख्तियार कर रहा है, मलावट करता है, लोगों का हक छीनता है। इसको ये एहसास नहीं होता कि मैंने मरना है, मैंने कब्र में जाना है, इसका मैंने जवाब देना है, किसी ने मुझसे इसका सवाल करना है, इसके दिल में वहम तक नहीं गुजरता। मिलावट कर रहा है, फ्रेप कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, और इसका सबब मानो सर इकट्ठा करना,
दौलत इकट्ठा करना, कायनात के आका सकलैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले कहा था कि बेसल अब्दु अब्दुन सहा वलहा वनसी अल मकाबिरा वल फला, कि अमल करने में सुस्ती करता है, नहीं करता। नमाज पढ़ रहा है, नमाजी है, नमाज पढ़ी, इमाम ने सलाम फेरा, जोश भागता है कि फरीजा पूरा हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा सहा, सुस्ती करने वाला किसमें? जो कौनैन के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह हर वक्त तस्बीहात करते थे, हर वक्त सना करते थे, हर वक्त तहमीद करते थे, या उससे भागता है और कहता क्या है कि अबू बकर सिद्दीक सलाम फेर के इस तरह भाग जाते थे जैसे गर्म पत्थर पे बैठे हुए, हयात भी तार तार है और इल्जाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबी पे। अबू बकर सिद्दीक ऐसे करते थे, अबू बकर कभी ऐसा नहीं कर सकते थे। जिसका हक़ा, जिसका महबूब कितना कितना लंबा मुसल्ले पे बैठ के तस्बीहात करता था, तहमीद करता था, तंजीद करता था, अबू बकर उसकी सुन्नत की मुखालफत करते हुए भाग जाते। अपनी इस कुताही को, गफलत को छुपाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के अजीम सहाबी पे इल्जाम और इत्तेहाम रखता है, यह है सुस्ती। कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदतरीन इंसान वो है जो गाफिल है, सुस्ती करता है। और फिर है क्या, नसियल मुकाबिरा फल भला, कब्रों को भूल गया। कौनैन के आका सकलैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कब्रों को भूल गया है। दुनिया कमाने वाला, दिन रात मेहनत करने वाला, मजदूरी करने वाला, अजान हुई चले जाएंगे, लोग पढ़ के आ रहे हैं जो ठहर के कर लेंगे और कुछ नहीं। तो नबी एक कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी अमल कर लेंगे, दो इकट्ठी कर लेंगे। ओ मैंने बार-बार किया, दो इकट्ठी है ही नहीं है। अल्लाह कुरान में कहते हैं कि नमाज तुम्हारे लिए मुकर्रर की है और जहां नमाज फर्ज है वहां नमाज के लिए वक्त भी मुतय्यन किया हुआ है। इन सलाता कानत अल मोमिनीना किताब मौकूता। हमारी बदनसीबी है देखा नहीं हमने, पिछले दिनों तकलीफ आई, बीमारी आई, रेल हदीस के हराने वाले की मस्जिदों को उजाड़ के रख दिया इन लोगों, नमाजें इकट्ठी। मैंने उस वक्त कहा था कि बगावत करते हो, अल्लाह ने ये नमाजें तुम्हारे मुंह में मार देनी है। जोहर का वक्त है, तुम असर के साथ पढ़ रहे हो, असर के वक्त को खींच दिया है, जोहर के साथ पढ़ते हो। अल्लाह के नबी के एक फरमान से नाजायज, इस तरह हर काम हमारा नाजायज है। अल्लाह के नबी ने कहा और मेरे सहाबा सुन लो, इसको मेरी आने वाली उम्मत तक पहुंचा दो। तुम नहीं याद करते कब्र को, नसियल मकाबिरा, कब्रों को भूल गए, लेकिन कब्र नहीं इंसान को भूलती। मेरे मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर रोज कब्र ऐलान करती है, हर मरने वाले की कब्र। यूहन्नास, ओ लोगों, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं गुर्बत का घर हूं, मैं खाक का घर हूं, मैं कीड़ों का घर हूं। अल्लाह के नबी ने कहा रोज हर एक की कब्र ये ऐलान करती है। और इरशाद फरमाया सुन लो, ये कब्र किसी के लिए आग का घड़ा है, किसी के लिए जन्नत की बहार है। और वह कैसे, कौनैन के आका सकलैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मरने वाले को कब्र में दफन किया जाता है, दफन करने वाले दफन करके आते हैं ना,
तो उठाने वाले उसको उठा लेते हैं, उठो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि कब्र में खौफनाक दहशतनाक बला दाखिल होती है इंसान के सर की तरफ से। इरशाद फरमाया नमाज आ जाती है, रुक जाओ, तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं कि यहां तक, यहां से तुम इस तक पहुंच जाओ। फरमाया वो बला दहशतनाक दहशतनाक बला जिसको देख के इंसान की जान हवा हो जाए, दाएं तरफ से आती है, रोजा आगे बढ़ता है, रुक जाओ, यहां से गुजर के इस तक पहुंचने के लिए तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वो बाएं तरफ से जाती है, सदका ज़कात हरात आगे बढ़ते हैं, ना ना ना, इस तक तुम नहीं पहुंच सकते। गौर से दिल के कानों से सुने, अल्लाह के नबी ने कहा कदमों की तरफ से जाती है, की हुई नेकी, किसी को तलकीन, नेकी की बुराई से रोकना, कांटा उठाना, कुरान पढ़ना, ये नेकियां उसके कदमों की तरफ है, वो भला कदमों की तरफ से उसकी तरफ बढ़ते वक्त रुक जाओ, इधर से वहां पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं है। सकलैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अमल काफिरो वल मुनाफिकु। ये अल्लाह के नबी ने क्यों इरशाद फरमाया है? ये तो मोमन की बात है ना, काफिर को मुनाफिक को कहा, काफर तो है कलमा का बुनकर और मुनाफिक है कलमा पढ़ के काफरों वाले काम करने वाला। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि वो खौफनाक दहशतनाक बला सर की तरफ से बढ़ती है, कोई रुकावट नहीं, दाएं तरफ से बढ़ती है कोई रुकावट नहीं, बाएं तरफ से बढ़ती है कोई रुकावट नहीं, कदमों की तरफ से बढ़ती है तो कोई रुकावट नहीं। कुम मुनकर और नकीर उसे कहते हैं, उठ जा। कहा उनकी शक्ल देख के उसकी जान हवा हो जाती है और जब वो गजब से बोलता है, काफर कोई नहीं, अमल काफिरो वल मुनाफिक हो, काफर और कलमा पढ़ने वाला जो कलमा पढ़ के मोहम्मद रसूलुल्लाह का बागी है, जो कलमा पढ़ के अल्लाह का बागी है, फरमाया क्या करूं तेरे कलमा को, उठो। और जब वो उसे बात करते हैं तो रही सही कसर भी निकल जाती है, होश हवास गुम हो जाते हैं, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है, हा हा माँ अधरी ला अधरी, मैं नहीं जानता। मन नबियों का, कहने लगा मुझे नहीं पता। और माँ तकूल हाजर फजल, इस आदमी के मुतल्लिक तेरा क्या ख्याल है? कहने लगा जो लोग कहते थे वो मैं भी कहता था। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सवाल होता है उससे जवाब नहीं बनता, कलमा पढ़ने वाला अल्लाह का बागी मोहम्मद रसूलुल्लाह का बागी था तो इस्लाम लाने वाला था, तो ईमानदार कहलाने वाला, लेकिन यहां मुंह से वो नहीं निकलता जो इसकी जान बचा सकता था। वो मारता है फरिश्ता और कहता है उधर देखो, मौलाए कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो देखता है उसको जन्नत में उसका ठिकाना दिखाया जाता है कि ये तेरा ठिकाना था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि इतना परेशान होता है, इतना परेशान होता, कौन, कलमा पढ़ने वाला जो नमाज नहीं पढ़ता था, जो तलावत नहीं करता था, जो अस्कार नहीं करता था, जो तस्बीहात नहीं करता था, इसको बचाने वाला कोई नहीं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया दिखाई इसको जन्नत, कहा बदनसीब आदमी ये तुम्हारा ठिकाना था,
जिसको देख के रूह खुश हो जाए, अपनी बदामालियों के सबब, अपनी जल्दबाजियों के सबब, अपनी गफलत के सबब, अपने इरास के सबब, ये ठिकाना तूने खो दिया है, अब तेरे लिए ये ठिकाना है। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो खामोश है, एक अंधा गुंगा भोला फरिश्ता उस पर मुसल्लत कर दिया जाता है। कहा उसके पास एक लोहे का हथौड़ा होता है, वो एक हथौड़ा उस पर मारता है। कौनैन के आका ने कहा अगर वो हथौड़ा पत्थर पे मारा जाए, पहाड़ पे मारा जाए, तो वो पहाड़ एक पत्थर की जरब से रेजा रेजा हो जाए। इसके लिए बोला और अंधा फरिश्ता मुकर्रर किया है, चीखे चिल्लाए रोए आशी करे मिलते करे समाजते करे, वो तो सुनता ही नहीं है। इरशाद फरमाया वो इसको उस लोहे के हथौड़े से मारता है। यस्मौ सौतहु कुल्लु मखलूकिन इल्ला सकलैन, फरमाया उसका रोना चीखना चिल्लाना मिलते करना समाजते करना तमाम मखलूक सुनती है सिवाय इंसान और जिन के। जे कबर में उसको मार पड़ रही है उस हथौड़े से, अगर एक पहाड़ पे मारा जाए वो रेजा रेजा हो जाए। ये पीसियों खाता है, मरता है फिर जिंदा, मरता है फिर जिंदा, मारता है और क्यामत तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा ये मार खाता रहेगा। इरशाद फरमाया फिर अजदहा इस पे 70 अजदहा मुसल्लत किए जाते हैं। किस पे? अबू जान पे, अबू लाब पे, नहीं नहीं, कलमा पढ़ने वाले पागी से। इधर इमाम ने सलाम फेरी, उधर ये उठ भागता है, अबू बकर सिद्दीक भाग जाते थे जैसे गर्म पत्थर पे बैठे हुए। झूठ बकवास, अल्लाह के नबी के सहाबी पे इल्जाम, ऐसा अल्लाह के रसूल का मतियो मिनकार जो कदम नहीं उठाता मोहम्मद रसूल के बगैर, उस पर इल्जाम है। फरमाया 70 अस्तहा साथ से आया, नमाज ने रोका, मोमन था, दाएं से आया, जकात ने रोका, बाएं से आया, रोजे ने रोका, पांव की तरफ से आया, दूसरे नेक अमाल ने रोका, नहीं जा सकते हो, इसको रोकने वाला कोई नहीं। इरशाद फरमाया 70 अस्तहा इस पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। कहा अगर उनमें से एक अस्तहा एक फूंक जमीन पे मारे, सारी जमीन सब्जा उगाना बंद कर दे। ऐसे अजदहा इस पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इसको काट काट के खाते हैं, ये तड़पता है, बिलकता है, चीखो ताका वाहो फजा करता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। कभी आप देखें सवारी लेके जाए तो सवारी आपकी कब्र के करीब से गुजरे जहां अजाब हो रहा, तो वो उछल के भागती है। कौनैन के आका सकालैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह खच्चर पे सवार है, अल्लाह के नबी की खच्चर डर गई। इरशाद फरमाया ये कौन लोग दफन है? कहा अल्लाह के नबी जमाना कुफर के लोग हैं। फरमाया खच्चर इसलिए डर गया है कि इनको अल्लाह अजाब दे रहे हैं कब्र में। नबी ये रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेसल अब्दु अब्दन, बदतरीन इंसान वो है जिसने अमाल में सुस्ती की, अस्कार में सुस्ती की और दुनिया में यूं मशगूल हो गया, ना नमाज याद रही, ना अस्कार याद रहे, ना सना याद रही, ना कुरान याद रहा। फरमाया कि इस तरह दुनिया में गर्क हो गया, नसियल मुकाबिरा वल बला, इस कब्र को भूल गया जिसमें अंजाम इन लोगों का ऐसा होगा, और इसको भूल गया कि इसके मर के खाक हो जाना है। और ये नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम हमारे लिए इसलिए है कि अपनी जिंदगी में कुछ कर लो, सुस्ती की तो कब्र में इस अजाब का सामना होगा, सुस्ती और गफलत की तो जहन्नम की आग को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अल्लाह मुसलमान को सही मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल।